कांग्रेस के दिग्गज राजस्थान के रण में है। 16 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे, मरुदरा आएंगे, तो 17 नवंबर को प्रियंका गांधी आएगी राजस्थान। 18 नवंबर की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान आएंगे। तीनों नेता 5 जनसभाएं करेंगे और अलग अलग इन लोगों का संबोधन होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मरुदरा के रण में कांग्रेस के दिग्गज आएंगे और साथ ही साथ विशाल जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज राजस्थान में आएंगे, 16 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं 17 नवंबर को प्रियंका गांधी राजस्थान आएंगी, 18 नवंबर को। तो तीन दिन लगातार, 16, 17 और 18, तीन दिन लगातार तीनों नेता 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दिनेश, क्या कुछ जानकारी इन जनसभाओं को लेके? जी देखिए, अब दिवाली का त्यौहार है, कह सकते हैं कि कल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता वो अब राजस्थान में रण में कूदेंगे। राहुल गांधी 16 नवंबर को राजस्थान आ रहे हैं और उनकी तारानगर, जहाँ पर राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुढ़ानी आमने सामने और काफी रोचक मुकाबला है, वहां पर वो पहली सभा करेंगे। उसके बाद नौर में अमित चाचान कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में दूसरी पब्लिक मीटिंग करेंगे और आखिर में साधु शहर में कांग्रेस उम्मीदवार जगदीप चंद्र गांगिर के समर्थन में सभा करेंगे। अगले दिन प्रियंका गांधी भी राजस्थान आएगी और दो जगह उनकी सभा होगी, सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रियंका गांधी सभा करेगी और 18 नवंबर को फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो राजस्थान के रण में कैंपेन करने आएंगे और वेर, जहाँ से पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव कैबिनेट मंत्री है, वहां पर वो एक पब्लिक मीटिंग करेंगे। उसके बाद तिजारा, जहाँ बीजेपी से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से बसपा से शामिल हुए इमरान खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीन दिन में ये नेता 7 पब्लिक मीटिंग सभाएं करेंगे और उसके बाद लगातार 23 नवंबर तक इनकी सभाएं जारी रहेगी, रोड शो भी करेंगे और अन्य जो पॉलिटिकल इवेंट है उसमें भी हिस्सा लेंगे। दिनेश, ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।